दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा REM का क्या यूज होता है। टोटल स्टेशन जो REM फंक्शन होता है उसका क्या यूज होता है आज मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले स्किप की बटन प्रेस करेंगे। स्किप की प्रेस करने के बाद हम फंक्शन से मेन्यू ढूंढेंगे। MLM मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था MLM का यूज क्या होता है। हम फंक्शन की की से मेजरमेंट मेन्यू, ये अपने को मेन्यू मिल गया। F1 की जो की होती है उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद REM, ये देखिए REM लिखा हुआ है, इसमें हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम REM OC ओरिएंट में ना जाके REM में जाएंगे। REM को प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम सबसे पहले आपको दो पॉइंट दिखा देते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बताएंगे। चलते हैं आपको दो पॉइंट दिखाने। ये पॉल पे, ये पोल की अपने को हाइट, बाई चांस मान लो कोई बोल दे इसकी हाइट कितनी है तो मैं आपको बताऊंगा इसकी हाइट नाप के। तो हमने दो पॉइंट बना दिए हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो ये दो पॉइंट है, ये आपका इलेक्ट्रिक पोल है, ये रेलवे के इलेक्ट्रिक पोल है। ये सबसे पहले हमने एक पॉइंट ये बना दिया है, ये आपको पहला पॉइंट दिख रहा है। और इसके ऊपर हमने एक ये पॉइंट बना के रखा है। ये हम REM की सहायता से हम इसकी डिस्टेंस नापेंगे कितनी ये पोल के दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। चलते हैं टोटल स्टेशन के पास। ये आपका इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है टोटल स्टेशन। और सबसे पहले जो नीचे वाला पॉइंट था, जो पोल पे नीचे पॉइंट लिखा हुआ था, तो हम सबसे पहले उसको मेजर करेंगे। वो देखिए आपका वो पॉइंट दिख रहा है नीचे वाला, हम सबसे पहले उसको मेजरमेंट करेंगे। ये आपका मेजरमेंट दिया है F4 पे। F4 की जो की है उसको प्रेस करेंगे। ये देखिए हमने दो बार मेजरमेंट किया। मेजरमेंट करने के बाद जो अपना ये लॉक होता है, ये जो लेंस जो मूवमेंट होता है ऊपर नीचे करने के लिए, हम सबसे पहले इसको जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसके बाद जो अपना ऊपर का पॉइंट होता है, सबसे पहले हम REM की प्रेस करेंगे। ये F3 है, इसमें आपका REM दिया है। REM की हम बटन दबाएंगे। REM की बटन दबाने के बाद हम ये देखिए ये मशीन आवाज़ करने लगी। अब हम ऊपर वाले पॉइंट पे इसको धीरे धीरे करके ऊपर वाले पॉइंट पे ले जाएंगे। ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है और ये देखिए मशीन आवाज़ कर रही है। इसकी जो हाइट आई है पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब ये देखिए इसके REM, ये आपकी हाइट आ गई 1.522, 1 मीटर 522 mm आ गई। अब हम चलते हैं टेप से नापने, क्या सही है क्या गलत है। हम चलते हैं जो पॉइंट बनाए थे उनके बीच की जो डिस्टेंस टोटल स्टेशन के माध्यम से 1.522 है, हम उसको आज चेक करेंगे टेप से क्या सही है गलत है। तो पहला पॉइंट था उस पर बंदे ने टेप पकड़ ली। और ये देखिए आपका सेकेंड पॉइंट जो मैंने मेजरमेंट किया था, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। ये देखिए उस पर टेप पकड़ लिया, जो उसकी टोटल स्टेशन डिस्टेंस आ रही थी 1.522 आ रही थी, 1 मीटर 522 mm। जैसे जो पॉइंट दिया हुआ है नीचे वाला, यदि यहाँ से लेके यदि अपने को ऊपर तक की हाइट मापनी हो कितनी पोल की हाइट है, या इलेक्ट्रिक जो ये इलेक्ट्रिक ये लाइट है ये, तो इसकी यदि हमें हाइट मापनी है नीचे से कितनी है, तो हम REM की माध्यम से किसी चीज़ की हाइट माप सकते हैं। मेजरमेंट करके आपको दिखाया वो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस थी 1.522 mm थी, 1 मीटर 522 mm। और हम किसी चीज़ की हाइट नापनी है या हाइट मेजरमेंट करनी है तो हम REM का यूज ही करते हैं टोटल स्टेशन पे और उसकी हाइट निकालते हैं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।